दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्री ट्रायल रिक्शा जो मिलना शुरू हो गया, इसका आवेदन शुरू हो गया और किन किन आदमी को मिलेगा और क्या एलिजिबिलिटी है, सारा इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका था, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी वाली ट्रायल रिक्शा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें प्रोसेस है और क्या क्या करना है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी और जिससे आप अपने घर बैठे अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक आर्टिकल के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर देखते लेते हैं हैं। कि लगने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेज, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका आवेदक, जो भी आवेदन करेंगे, जो भी विकलांग है वो आवेदन करेंगे, उनका आधार कार्ड चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आय कार्ड चाहिए या फिर पहचान पत्र चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रोजगार एवं संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए और यहाँ पे मान्यता प्रमाण, विकलांग प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा विकलांगता का, वो चाहिए। और एक आपका तस्वीर यानी कि आपका फ़ोटो चाहिए। ये सब ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप अपना इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल ये वेबसाइट पे। आपका तो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 5 स्टेप में आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। तो पहला क्या है, पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, जो भी आपके पास पर्सनल डिटेल यानी कि नाम, मोबाइल नंबर और आपका फ़ोटो और एड्रेस सब अपलोड करना, यानी पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर करना चाहिए, यानी सिग्नेचर करके सब फोटो कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट में आपका 5वां है, इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो टोटल 5 स्टेप में आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं फोटो की साइज 50 KB होना चाहिए, ये सब आपको पहले रेडी कर लेना है, यानी 50 KB आपका फोटो साइज होना चाहिए, जिसकी लेंथ आप 200x 230 यहाँ पे है। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 20 KB होगा, जो कि आपका साइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 140x60 है। तो इस तरह से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद में आपको ऊपर आना है। ऊपर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्टर यानी कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आएगा, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप शिक्षा यानी कि स्कूल की पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं साइकिल तो आपको शिक्षा पे क्लिक करना है। आप जॉब करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, वहाँ जाने के लिए आने जाने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रोजगार पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी जो अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे अंग्रेजी में नाम होना चाहिए, वहाँ यहाँ पे पिता का नाम वो भी अंग्रेजी में होना चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके, यहाँ से आप कैलेंडर पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि 18 वर्ष से ऊपर वाले का ही यहाँ पे सबमिट होगा, 18 वर्ष से कम है तो वो आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। तो उम्र आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए। वहाँ पे शारीरिक विकलांगता तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको श्रेणी या विकलांगता की श्रेणी आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाले पर क्लिक कर देना है। और नीचे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जनरल, कौन सा जनरल, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद श्रेणी यहाँ पर नीचे नीचे वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप, OBC यहाँ पे BC SC ST जो भी है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ज़िला से आप हैं तो वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार के अनुसार नाम जो होगा आधार कार्ड पर वही डालना है, और आधार कार्ड के अनुसार जन्म डेट भी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, इसमें आपको आधार नंबर डालना है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, एक ईमेल आईडी आपको बना लेना है और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, अगर पहले से है तो आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर एक यहाँ पर डाल सकते हैं और एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं, जो कि आपको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिएगा और सेकेंड में उसी पासवर्ड को आपको दोबारा इसमें मैच कराना होगा, यानी कि दोबारा से पासवर्ड वही डालना है। और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको इस बॉक्स में भर देना, जैसे DSSY लिखा है तो आपको इसमें भर के लिख देना है। और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपना लॉगिन करके आगे का प्रोसेस यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा है उसका एक PDF बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं पूरी प्रॉपर वीडियो आपको बना के दिखाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो, ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इस वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, अगली वीडियो जो आएगा उसमें प्रॉपर तरह से प्रॉपर तरीके से फिलअप करके आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना होगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जैसे वीडियो आएगा अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट हमें करिए कि आप सबको फॉर्म फिलअप करके मैं दिखाऊँ या आप खुद भर लेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो
अभी ये बिहार के लिए और नेक्स्ट स्टेट के लिए, जैसे और कोई नेक्स्ट स्टेट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा तो उसके स्टेट के लिए भी मैं आपको अपडेट यहाँ से दे दूंगा। और नोटिफिकेशन आने वाला है अगले महीने में स्कूटी योजना के लिए, तो आपको स्कूटी के लिए भी अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख जरूर करके जाइएगा हमारे सपोर्ट के लिए, तो हमें सपोर्ट करिए तो हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद।